नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रेमचंद जी के साथ हुए हनुमान जी के एक चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पटना के रहने वाले प्रेमचंद जी की, जिन्होंने हमारे साथ हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना शेयर की है। दोस्तों, पटना के रहने वाले प्रेमचंद जी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, जो अपने दिन की शुरुआत हनुमान जी की पूजा से करते हैं। उसके बाद ही प्रेमचंद जी अपने दिन के कार्यों की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद जी बताते हैं, बात 2015 की है, जब वो 4 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन सुबह 2 बजे उठकर सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़े, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन सालासर बालाजी में बहुत भीड़ हो जाती है, जिसके चलते हनुमान जी के दर्शन करने लगभग नामुमकिन ही हो जाते हैं। इसीलिए वह सुबह जल्द ही घर से सालासर बालाजी की तरफ निकल पड़े, लेकिन इस बार हनुमान जी को कुछ और ही मंजूर था। प्रेमचंद जी बताते हैं कि उनके साथ उस दिन जो घटना घटी उसे याद कर उनकी आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यदि दोस्तों उस दिन हनुमान जी का चमत्कार नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते। दोस्तों, प्रेमचंद जी बताते हैं कि जब वह पटना से जहानाबाद पहुंचे तो अचानक ही जोर से बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज थी कि रोड पर चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। वह धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। प्रेमचंद जी बताते हैं कि उन्होंने लालगंज के जंगलों वाले रास्ते से जाने की सोची, क्योंकि लालगंज वाला रास्ता बहुत ही शॉर्ट था। जब प्रेमचंद जी लालगंज के जंगलों वाले रास्ते पर पहुंचे तो वो भी रोड पर पूरा पानी भरा पड़ा था। मन ही मन वह सोचने लगे कि आज मैं अपने प्रभु के दर्शन कैसे कर पाऊंगा। प्रेमचंद जी बताते हैं कि वो बहुत निराश मन से गाड़ी चलाने लगे। जैसी वह कुछ दूरी पर पहुंचे, अचानक ही उनकी गाड़ी एक बड़े से गड्ढे पर गिर गई। गाड़ी वहीं पर फंसी गई और प्रेमचंद जी के लाखों कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसकी वजह यह भी थी कि गाड़ी का एक पहिया पूरी तरह से उस गड्ढे में गिर चुका था। दोस्तों, ये सोचकर प्रेमचंद जी बहुत दुखी हो गए और शायद कि वह इस बार बालाजी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। प्रेमचंद जी बताते हैं कि उस वाले रास्ते पर कोई नहीं आता जाता, क्योंकि उस जंगल में लुटेरे रहते थे। अब उनके मन में 2 डर थे, मैं हनुमान जी सालासर बालाजी के पास कैसे पहुंचूंगा और इस जंगल से कैसे निकलूंगा जहां लुटेरे रहते हैं। वह घबरा कर अपनी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी से बाहर नहीं निकले। गाड़ी में बैठकर अचानक ही उनको नींद आ गई और वह सपना देख रहे थे कि बहुत सारे बंदर उनकी गाड़ी के पास आते हैं और वो गाड़ी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। तभी उन्हें ऐसा कुछ लगा जैसे उनकी पीठ पर किसी ने धक्का मारा हो। उनकी आंख खुल गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास बहुत से बंदर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने ध्यान से गाड़ी का पहिया देखा तो वो भी अब गड्ढे से बाहर आ चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर सालासर बालाजी की तरफ निकल पड़े और गाड़ी के अंदर हनुमान जी के भक्ति के सॉन्ग लगा दिए और दोस्तों मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देने लगे। वह सोचने लगे कि वह शायद जितने भी बंदर थे वह स्वयं साक्षात हनुमान जी का ही रूप थे, जिन्होंने आकर उनकी मदद की। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा।